हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपसे पूछा जाए कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है तो आप कहेंगे 4। अगर आपसे पूछा जाए कि 125 का क्यूब रूट कितना होता है तो आप कहेंगे 5 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 76 का क्यूब रूट कितना होता है या फिर 120 का क्यूब रूट कितना होता है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यह सब नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट भी चुटकियों में निकाल पाएंगे। अगर आप ये ट्रिक सीखने को तैयार हैं तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नॉलेजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 से 10 तक के नंबर्स के क्यूब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब लेते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 76 का क्यूब रूट निकालने का। इसके लिए हमें 76 के बहुत पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर सोचना है। यह नंबर 76 से बड़ा भी हो सकता है और 76 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर 76 के सबसे पास होगा हम उसी नंबर को लेंगे। तो ये नंबर है 64। अब हम 76 को लिखेंगे 64 प्लस 12। 64 का क्यूब रूट हुआ 4। अब बचे हुए 12 के अपॉन में आपको लिखना है 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ये 3 हर क्वेश्चन में फिक्स रहेगा और ये 4 ये वाला नंबर लिया गया है। तो इस तरह से ये हो गया 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने पर मिलेगा 0.25। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 4.25। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हमें 120 का क्यूब रूट निकालना है। इसके लिए हमें 120 के बहुत पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर सोचना है। तो ये नंबर है 125। अब हम 120 को लिखेंगे 125 माइनस 5। 125 का क्यूब रूट हुआ 5। अब बचे हुए 5 के अपॉन में लिखना है 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये 3 हर क्वेश्चन में फिक्स रहता है और 5 यहां से लिया गया है। तो इस तरह से ये हो गया 5 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने पर मिलेगा 0.07। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर हो गया 4.93। तो अगर यह ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो 10 का क्यूब रूट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और यूजफुल ट्रिक्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।